तो नॉनस्टॉप महाकवरेज लगातार जारी है अतीक की रोड यात्रा से जुड़ी हुई। और देखिए इसी से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर आपको बता दें, साबरमती जेल से प्रयागराज ले जाया जा रहा है माफिया अतीक और गुजरात से राजस्थान के रास्ते प्रयागराज अतीक अहमद का काफिला पहुंचेगा। कड़ी सुरक्षा के बीच सड़क पर अतीक का काफिला गुजर रहा है। काफिले में यूपी पुलिस के 45 जवान मौजूद हैं, एक आईपीएस अधिकारी समेत 45 पुलिस कर्मी इस वक्त अतीक के काफिले में मौजूद हैं। अतीक के साथ वैन में बुलेट प्रूफ जैकेट से लैस पुलिस कर्मी मौजूद है। तो आपने देखा किस तरीके से तैयारी की गई है पुलिस प्रशासन की तरफ से, यूपी पुलिस की तरफ से 45 जो सुरक्षा कर्मी है वो अतीक अहमद के साथ इस वक्त चल रहे हैं। आगे पीछे गाड़ियों का काफिला है ताकि कोई भी चूक ना हो। अतीक के साथ इस वक्त जो वैन में पुलिस कर्मी मौजूद है वो बुलेट प्रूफ जैकेट से लैस है। तो आप देख सकते हैं तैयारी साबरमती से लेकर प्रयागराज तक क्या तैयारी की गई है। और देखिए राजस्थान होता हुआ मध्य प्रदेश होता हुआ जो ये काफिला है ये प्रयागराज पहुंचेगा। और आज सुबह का वो वक्त है जब काफिला प्रयागराज पहुंचेगा। माना ये जा रहा है कि सुबह 5 से 6 बजे का वो वक्त हो सकता है जब मध्य प्रदेश के शिवपुरी पहुंच सकता है अतीक अहमद का ये काफिला। दो स्टॉपेज की तस्वीरें हमने आपको दिखाई, सबसे पहला स्टॉपेज ऋषभदेव में लिया गया, राजस्थान के ऋषभदेव में। उसके बाद दूसरा स्टॉपेज उदयपुर के पास बाईपास में लिया गया एक पेट्रोल पंप में। और अब ये माना जा रहा है कि आगे भी और स्टॉपेज लिए जा सकते हैं। चित्तौड़गढ़ कहीं ना कहीं माना यह जा रहा था कि चित्तौड़गढ़ में तीसरा स्टॉपेज हो सकता है, लेकिन काफिला वहां पर नहीं रुका। काफिला आगे बढ़ता गया, कोटा की तरफ आगे बढ़ चुका है काफिला। और अब ये माना जा रहा है कि आने वाले समय में बहुत जल्द जो तीसरा स्टॉपेज है जिसे कहीं ना कहीं माना यह जा रहा था कि जल्द ही लिया जा सकता है उसे भी लिया जाएगा। लेकिन उससे पहले क्या सुरक्षा है अतीक अहमद के काफिले में वो हम आपको जानकारी दे रहे हैं। और चलिए नितिन हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, अपडेट इस पूरी यात्रा को लेकर दे रहे हैं, उनसे एक बार फिर से अपडेट लेते हैं। नितिन क्या अपडेट मिल रहा है, क्या चित्तौड़गढ़ से रवाना हो चुका है ये काफिला जैसे कि जानकारी मिल रही थी, और अब कितना समय और बचा है कोटा पहुंचने में, कितना डिस्टेंस है चित्तौड़गढ़ और कोटा का? देखिए बिल्कुल, देखिए कोटा की ओर आगे बढ़ चुका है काफिला और अभी 2 से 2.5 घंटे मान के चलिए कि आप कि कोटा पहुंचने में लगेगा। और चूंकि राजस्थान पूरे देश में वो एक ऐसा स्टेट है जो एरिया में सबसे बड़ा है, पहले मध्य प्रदेश हुआ करता था लेकिन छत्तीसगढ़ के अलग होने के बाद राजस्थान एक सबसे बड़ा स्टेट है। तो कुल मिला के कहा जाए अब जब कोटा पहुंचेगा, कोटा होते हुए शिवपुरी और शिवपुरी होते हुए झांसी, ये रूट है और ये वही रूट है जो मुंबई लाइन के लिए जिसे कहा जाता है और बड़ा रास्ता है। तो इस पर जब होते हुए जब यूपी की सीमा में पहुंचेगा तो मुझे लगता है कि अतीक अहमद के चेहरे की जो शिकन है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी, घबराहट और ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि वहाँ से शुरू होता है योगी राज। वहाँ से वहाँ जो जिस तरह से सूबेदार योगी राज के इलाके में जैसे ही काफिला आगे बढ़ेगा कहीं ना कहीं अतीक को अपनी मौत नज़र आने लगेगी। हालांकि सरकार ने ये भरोसा दिया है, कोर्ट में भी बात कही है कि सुरक्षित तरीके से उसको लाया जाएगा और तमाम जो सुरक्षा के जो प्रयास हैं, जो पूरी जो कवायदें हैं वो पूरी की गई हैं। एक बार मैं अपने दर्शकों को ये भी बताना चाहता हूँ कि आखिर ये पूरी जो घटना हुई है और उसका टाइमलाइन क्या है। देखिए 24 तारीख को ये घटना होती है, उमेश पाल सिंह अपने एक केस जिस केस में इस ये पूरी घटना हुई है सबसे पहले वो उसको लेकर वो अपने घर पहुंचता है, गवाही देने के बाद कोर्ट में अपने हाजिरी हियरिंग्स के बाद घर पहुंचता है और प्लानिंग के तहत उस पर बमों से और गोलियों से हमला बोल दिया जाता है। उसके साथ 2 सुरक्षाकर्मी रहते हैं, उनको भून दिया जाता है। 25 तारीख को इस मामले में अतीक अहमद और उसके पूरे परिवार को नामजद किया जाता है और चूंकि उस समय बजट सत्र चल रहा होता है तो ये मुद्दा गर्माता है और सदन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। 27 फरवरी को अतीक अहमद के दोनों बेटों को लेकर उनकी जो पत्नी है शायस्ता परवीन वो एनकाउंटर होने की आशंका जताती हैं। और इसी बीच जो पूजा पाल हैं जो समाजवादी पार्टी से विधायक हैं जिनके पति राजू पाल की हत्या की गई थी और जिसमें उमेश पाल सिंह गवाह हैं वो खुद सुरक्षा की गुहार लगाती हैं। और इसी बीच शूटर अरवाज को एनकाउंटर में ढेर कर दिया जाता है। मामले में पहली गिरफ्तारी होती है और आरोपी LLB स्टूडेंट जो मुस्लिम हॉस्टल का है उसको भी गिरफ्तार किया जाता है, उसका नाम सदाकत खान है। इसी बीच लगातार ये मामला सुर्खियों में बना रहता है। 28 फरवरी को उमेश पाल हत्याकांड में पुलिस 5 आरोपियों पर 50,000 का इनाम घोषित करती है और इसी बीच लगातार कार्रवाई चल ही रही है। और 1 मार्च को अतीक के करीबी जफर अहमद
के घर बुलडोजर चलता है, पूरा घर उसका तहस नहस कर दिया जाता है और घायल गनर जो राघवेंद्र का जो जिसका इलाज चल रहा था उसकी भी मौत हो जाती है और एक जो गनर है वो पहले से ही जिंदगी मौत से जूझ रहा होता है। इसी बीच 2 मार्च को सफदर अली के मकान पर बुलडोजर चलता है और लगातार योगी सरकार ऐसे लेफ्ट और राइट अतीक अहमद के पे बुलडोजर उन्होंने चलाया जो कहीं ना कहीं जिसकी वजह से अतीक अहमद की जो ताकत है वो कई गुना बढ़ती है और अतीक अहमद को ये लोग पनाह देते हैं। इसके साथ ही तमाम जो आर्थिक और हथियारों से लेकर जो तमाम मदद होती है वो होती है। 3 मार्च को अतीक के बेटे असद का नाम FIR में तो जोड़ा गया। अतीक के करीबी माकसुद्दीन के घर भी बुलडोजर चलता है। 4 मार्च को शूटआउट केस में जेल से रंगदारी मांगे जाने का एक एंगल जाँच में सामने आता है। 5 मार्च को पुलिस जो शासन है गृह विभाग से 5ों आरोपियों पर इनामी राशि बढ़ाकर 2.5 लाख कर दी जाती है। 6 मार्च को उमेश पाल हत्याकांड में पहली गोली चलाने वाला खूंखार हत्यारा उस्मान मारा जाता है। इसी बीच यानी कुल मिलाकर 2 एनकाउंटर 6 मार्च तक कर दिए जाते हैं। 9 मार्च को 2.5 लाख के इनामी शूटर साबिर के भाई को संदिग्ध हालत में उसका भी शव मिलता है। 10 मार्च को सूत्रों से खुलासा होता है कि अतीक ने इसके लिए इस पूरे शूटआउट को प्लान करने की जिम्मेदारी अपने भाई अशरफ जो पूर्व विधायक रह चुका है और बरेली जेल में बंद है उसको इसकी जिम्मेदारी दी थी और 3 बार नाकाम होने के बाद 4थी बार में इस पूरी प्लानिंग को धरातल पर उतारा गया और उमेश पाल सिंह की बहुत ही निर्मम तरीके से हत्या कर दी जाती है। ये सारी जानकारी 10 मार्च को पुलिसिया इन्वेस्टिगेशन में सामने आती है। 12 मार्च को पता चलता है कि अतीक की पत्नी शायस्ता परवीन पर पुलिस ने 25,000 का इनाम घोषित कर दिया है। 13 मार्च को उमेश पाल सिंह के 5ों आरोपियों पर राशि जो इनामी राशि अब 2.5 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दी है। तो इसी तरह से लगातार पिछले 1 महीने से ये क्रम चल रहा है और अतीक की जो क्राइम हिस्ट्री है 2019 के हलफनामे में अगर बात की जाए तो उस पर 59 मुकदमे दर्ज थे जिसमें से 8 मामले हत्या और 8 ही हत्या के प्रयास के मुकदमे दर्ज थे। अतीक अहमद के खिलाफ पिछले 43 साल के दौरान दर्ज मुकदमों के शतक लग चुके हैं यानी क्राइम की सेंचुरी बना चुका है। आप समझ सकते हैं एक क्रिमिनल जिस पर 100 मुकदमे दर्ज हैं तो आप समझ सकते हैं कितना ज़्यादा खूंखार और कितना ज़्यादा क्रिमिनल ये हत्यारा है और आज अब उसकी गुनाहों के हिसाब की घड़ी आ चुकी है। अतीक अहमद के जो भाई है पूर्व विधायक अशरफ के खिलाफ 53 मामले दर्ज हैं। अतीक की पत्नी शायस्ता के खिलाफ 4 केस दर्ज हैं। वहीं बेटे अली के खिलाफ 5 और उमर के खिलाफ 2 और असद के खिलाफ 1 मामला दर्ज है। योगी सरकार में सत्ता के आने के बाद योगी सरकार जब सत्ता में आई है तो अतीक अहमद और उसके गैंग की 1168 करोड़ की संपत्तियों पर कार्रवाई हो चुकी है। 1168 करोड़, आप समझ सकते हैं किस तरह से सत्ता और क्राइम के कॉकटेल ने उसका अरबों का साम्राज्य खड़ा कर दिया और यही वजह है कि वो लगातार मजबूत और मजबूत होता चला गया। एक तरफ सत्ता से जो तमाम जो क्राइम किया गया उस पर कहीं ना कहीं उसको संरक्षण मिला और उसी जो आर्थिक पैसे से उसी आर्थिक साम्राज्य से सत्ता की सीढ़ियां पाना यानी कहीं ना कहीं ये चीज़ें एक दूसरे के प्रोपोर्शनेट होती हैं आप समझ सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ गैंगस्टर एक्ट के तहत करीब 417 करोड़ की उसकी संपत्ति जब्त की गई है। यूपी सरकार ने 3 जून 2019 को अतीक को अहमदाबाद की सामस्ती जेल में शिफ्ट किया था। उमेश पाल सिंह हत्याकांड में 5 लोगों पर 5-5 लाख का इनाम दर्ज है तो आप समझ सकते हैं कि ये जो क्रिमिनल हिस्ट्री है वो बता रही है कि अतीक अहमद जराइम की दुनिया का कितना बेताज बादशाह था। उसका आप समझ सकते हैं कि किस तरह से उसने लगातार 3 दशकों तक सीधे सीधे उसने कानून को चुनौती दी, कानून के इकबाल को चुनौती दी। बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े जज, बड़े बड़े जो सफ़ेदपोश कहीं ना कहीं उसके सामने उस लेवल पर नतमस्तक करते चले आए। तमाम केसों में जो गवाह थे पूरी तरह मुकर जाते थे। तमाम जस्टिस न्यायाधीश, मैं एक बार फिर से कहना चाहता हूँ, तमाम न्यायाधीश ने अपने को उस अतीक अहमद के केसों से सुनवाई करने से अलग कर लिया। तो ये खौफ का आलम, ये डर का आलम, ये आतंक का जो पर्याय बना हुआ था अतीक अहमद, अब उसकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। और जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ सरकार ने, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में माफिया राज को ख़त्म करने का जो संकल्प लिया है, जो प्रण लिया है, जो सौगंध खाई है, उसी क्रम में आप समझ सकते हैं कि जो माफिया आज किस तरह से थर थर कांप रहा है, जो डर है, जो खौफ है, जो भय है, वो उसके चेहरे पर
पढ़ा जा सकता है। उसके चेहरे की उड़ी हुई हवाइयां बता रही हैं कि उसको सामने यमराज दिखाई दे रहे हैं। ये बता रहा है कि किस तरह से कानून का राज क्या होता है, एक आम आदमी के लिए किस तरह से ये माफिया उसकी ज़िंदगी में नासूर बन जाते हैं, और किस तरह से कोई भी, चाहे वो लूट हो, हत्या हो, डकैती हो, दंगा हो, फसाद हो, हर जगह सेंटर पॉइंट में अतीक अहमद का रहना, और किस तरह से तमाम विपक्षी दल जो इस समय सत्ता से बेदखल हैं उन्होंने किस तरह से उसको पुष्पित पल्लवित करने का काम किया, ये जनता को तय करना है कि आखिर ये सारे एक छोटा सा अदना सा क्रिमिनल इतना बड़ा माफिया कैसे बन जाता है। उसके पीछे ये राजनीतिक शक्तियाँ होती हैं और इस बात को ये माफिया भी बखूबी समझते हैं। यही वजह रहा कि अतीक अहमद ने न केवल क्राइम की दुनिया में, अराजकता की दुनिया में उसने अपना सिक्का बुलंद किया, वहीं दूसरी तरफ वो राजनीति में भी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ा। वो सांसद भी रहा, वो विधायक भी रहा, और वो लगातार महत्वपूर्ण पदों में भी रहा, अपना दल में भी रहा, वो समाजवादी पार्टी में भी रहा, उनकी पत्नी समय बसपा में भी। कहीं ना कहीं इतने सारे संरक्षण मिले, इतना खौफ अतीक अहमद का हमने देखा, लेकिन देखिए पाप का अंत सजा ही होता है, और अब जो पाप का अंत है अतीक अहमद का वो होने वाला है। प्रयागराज जब पहुंचेगा सजा होगी, उसके बाद फैसला होगा क्या सजा मिलती है अतीक अहमद को। शैलेश भी हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए हैं। शैलेश देखिए, अगर साबरमती से लेकर राजस्थान की हम लोग बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, तो चप्पे चप्पे पर पुलिस प्रशासन तैनात है, पुलिस सुरक्षा की व्यवस्था की गई है, लेकिन अगर यूपी की बात करें, क्योंकि देखिए बैठकों का दौर लगातार चला, किस तरीके से अतीक अहमद को लाना है यूपी में, उसके बाद अब अगर बात की जाए तो क्या तैयारी है, जिस रूट से लाया जाएगा वहां पर क्या तैयारी विशेष तौर पर की गई है पुलिस प्रशासन की तरफ से। देखिए आयुषी, पहले तो हम ये अपडेट देना चाहेंगे अपने दर्शकों को कि जैसा हम पहले भी कह रहे थे कि रूट जो है उसमें देखिए बदलाव संभव है, जैसा आप कह रहे थे कि जो एक टेंटेटिव टाइम लेकर चलना है उसमें बदलाव संभव है, और ऐसा ही अब देखने को फिलहाल मिल रहा है। जिस रफ्तार से काफिला चल रहा है और जिस तरह से चित्तौड़गढ़ में जो एक स्टॉपेज लेने की बात थी वो भी नहीं लिया गया, काफिला आगे बढ़ गया। अब अगर हम आगे की बात करते हैं तो देखिए पहले ये जो शिवपुरी तक काफिला पहुंचने की बात थी वो ये माना जा रहा था कि सुबह 6 से 7 बजे तक पहुंच सकता है, लेकिन अब जो नया संभावित समय है वो ये मानकर चलिए करीब 7 से 8 बजे तक ये काफिला शिवपुरी पहुंचेगा। इसी तरह से अगर हम और आगे की बात करते हैं झांसी पहुंचने की, तो पहले ये अनुमान लगाया जा रहा था कि सुबह 9 से 10 बजे तक ये काफिला झांसी पहुंच जाएगा, लेकिन अब उसमें भी जिस तरह से काफिले की रफ्तार में बदलाव हुआ, रूट में कुछ बदलाव देखने को मिला, कुछ चीज़ें देखने को मिली, तो अब ये काफिला जो है वो अगर हम बात करते हैं चित्रकूट की, तो वहाँ पर पहुँचने में सुबह लगभग 10 से 11 बजे का वक्त हो सकता है, जिस तरह से हम बात करते हैं झांसी की, माफ़ कीजिएगा, और इसी तरह से चित्रकूट पहुँचने का जो वक्त है वो भी अब दोपहर में 3 से 4 बजे का बताया जा रहा है। जो सोर्सेज से जानकारी आ रही है कि करीब 3 से 4 बज सकता है इस काफिले को चित्रकूट तक पहुंचने में, और जो प्रयागराज तक की दूरी जब साबरमती से काफिला रवाना हुआ था तो ये माना जा रहा था लगभग 20 से 21 घंटे लगेंगे प्रयागराज पहुंचने में, और जिस समय काफिला निकला था लगभग 5:45 बजे, तो ये एक अनुमान था कि काफिला जो है वो प्रयागराज में लगभग 2 बजे तक पहुंच जाएगा, 2:30 बजे तक पहुंच जाएगा, लेकिन अब जो नया संभावित समय ये माना जा रहा है कि करीब शाम को 6 से 7 बज सकता है इस काफिले को प्रयागराज पहुंचने में। जो इसका लास्ट स्टॉपेज है, जो गंतव्य स्थल है जहां तक ले जाया जाना है अतीक अहमद को, तो इस तरह से देखिए टाइमिंग का जो बदलाव है वो देखने को मिल रहा है, और इसके पीछे कई वजह है। जबकि इस काफिले को अभी स्टॉपेज भी नहीं दिया गया, आगे बढ़ गया, उसके बाद ये स्थिति देखने को मिल रही है, और अब काफिले में बीच में ड्राइवर्स को समय समय पर बदला जाएगा, और काफिला जो है लगभग 6 से 7 बजे तक प्रयागराज पहुंचेगा। और इस बीच जब हम बात करते हैं, देखिए हर राज्य में जैसे हम बात कर रहे हैं शिवपुरी की, तो इन सब जगहों पर तो देखिए अलग अलग स्टेट से मदद ली जा रही, लेकिन जैसे ही काफिला पहुंचेगा उत्तर प्रदेश के अंदर, जैसे ही पहुंचेगा झांसी में, जैसे ही पहुंचेगा उसके बाद चित्रकूट में, तो वहां पर जो सुरक्षा व्यवस्था होगी उत्तर प्रदेश पुलिस के हाथ में सब आ जाएगा। तब यहाँ पर जो एक्स्ट्रा स्कॉट लगाया जाएगा, एक्स्ट्रा पुलिस लगाई जाएगी, ताकि कोई कोर कसर ना रहे, पूरी पुख्ता बंदोबस्त के साथ में काफिला जो है वो आगे बढ़ेगा, चाहे चित्रकूट की बात हो, चाहे उससे पहले झांसी की बात हो, या फिर प्रयागराज तक जो रूट पूरा बीच में रहेगा वहाँ तक के काफिला जो है वो पूरी कड़े बंदोबस्त के बीच में, सुरक्षा व्यवस्था के बीच में आगे ले जाया जाएगा। जो पुलिस की गाड़ी जिसमें अतीक को बैठाया गया है, पूरी तरह से चारों तरफ से कवर्ड ये गाड़ी, जो वजवान जो है
ये कवर्ड है। अंदर जो पुलिसकर्मी बैठे हैं उनका किसी से कोई कॉन्टैक्ट नहीं हो सकता, यहाँ तक कि वो लोग अपने घर वालों से भी संपर्क करना चाहे तो नहीं कर सकते। यानी एक जो पूरा ऐसा ऑपरेशन सुरक्षित तरीके से माफिया आतिक अहमद को उसके अंजाम तक पहुँचाने के लिए, जेल की सलाखों तक उत्तर प्रदेश में लाने के लिए ये जो पूरा ऑपरेशन इस समय चल रहा है, कोर्ट में सशरीर उसकी पेशी होनी है 28 तारीख को, इन चीज़ों को सुनिश्चित करने के लिए लगातार काफिला आगे बढ़ रहा है। पुलिस के आला अधिकारी जो हैं उन्होंने अपने इस सोर्सेस से, देखिए एक और जानकारी आ रही है कि पुलिस के जो आला अधिकारी हैं उनको भी इस बदलाव से जुड़ी जानकारियां दे दी गई हैं। जो टीम साथ में एक आईपीएस अधिकारी, जो बाकी ऑफिसर्स चल रहे हैं, उन्होंने आला अधिकारियों को बता दिया है कि अब जो समय लगने की संभावना दिख रही है वो थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा, यानी अब शाम को 6 से 7 बज जाएगा प्रयागराज तक पहुंचने में। और यूपी के बॉर्डर में आने के बाद जिस तरह से उत्तर प्रदेश के डीजीपी डीएस चौहान ने भी निर्देश दिए कि कहीं पर भी किसी भी तरह से इस काफिले को जाम में ना फंसना पड़े, ये सुनिश्चित किया जाए। अभी भी आप देखिए इस समय रात के वक्त हाईवे पर ट्रक चल रहे हैं, सब है। कई जगह पर यह भी होता है कि हाईवे पर ट्रक चलने की वजह से कई बार जाम की स्थिति आती है, लेकिन अभी तक आप देखिए स्मूथली ये निकल रहा है, क्योंकि जिस तरह से जो पुलिस की गाड़ियां चल रही हैं वो तो है, लेकिन जहां जहां काफिला निकल रहा है जो वहां की लोकल पुलिस है वो इस चीज को सुनिश्चित करा रही है कि कहीं जाम ना लगे, जो यातायात है वो किसी तरह से प्रभावित ना हो, काफिले को कहीं पर भी रुकना ना पड़े। जहां पर देखिए सड़क गड़बड़ है, जाहिर सी बात है उसका विकल्प नहीं हो सकता, ऐसे में काफिले को अपनी रफ्तार कम करनी पड़ रही है, लेकिन जाम की वजह से कम काफिले की जो रफ्तार है उस पर ब्रेक ना लगे, उसे कहीं रुकना ना पड़े, इस बात को सुनिश्चित किया जा रहा है। और तेजी के साथ में काफिला जो है वो इस समय प्रयागराज के लिए चल रहा है। रास्ते में हम बात करें शिवपुरी, झांसी, चित्रकूट, इन सब पड़ावों को पार करते हुए ये काफिला शाम करीब 6 से 7 बजे प्रयागराज पहुंचेगा। और कोर्ट में जो पेशी होनी है उस पर भी सबकी निगाहें टिकी है कि आखिर कोर्ट क्या फैसला देता है, क्योंकि निश्चित रूप से अगर बात करें उमेश पाल हत्याकांड जिस तरह से हुआ, जो तस्वीरें सामने आई, दिन दहाड़े गोलियां चलती है, दिन दहाड़े बम चलते हैं, और जिस समय उमेश पाल बचने के लिए घर की तरफ भागता है तो पीछे से फायरिंग तब तक की जाती है जब तक वो मर ना जाए, 2 पुलिस के जवान भी इस घटना में शहीद हो जाते हैं, तो दिन दहाड़े वो जो नजारा था उसके सीसीटीवी फुटेज सबने देखे, तो वो कहीं ना कहीं एक फिल्म का जो सीन अक्सर फिल्मों में देखने को मिलता है। और कई बार लोगों के मन में सवाल आता है जब ऐसे दृश्य देखते हैं तो लोग सोचते हैं क्या हकीकत में ऐसा होता है, लेकिन निश्चित रूप से इस पूरे मामले में जो उमेश पाल हत्याकांड का मामला हुआ हकीकत वैसी ही थी जो फिल्मों में देखते हैं, यानी जो रील का सीन होता है वो रियल सीन के रूप में देखने को मिला था। और एक बड़ी चुनौती दी गई थी सरकार को, बड़ी चुनौती दी गई थी कानून व्यवस्था को, तो अब उसका मुंहतोड़ जवाब देने की भी तैयारी है। अपराध तो उस समय हो गया, बता रहे आंशिक समय ये है, कहीं ना कहीं अभी ये क्लियर नहीं है कि इसी समय पर प्रयागराज पहुंच सकता है अतीक अहमद का ये काफिला। एक बार नितिन का रुख कर लेते हैं। नितिन, कहीं ना कहीं बहुत हद तक ये माना जा रहा है और ये संदेश देने की भी कोशिश की जा रही है, क्योंकि देखिए जब जब अतीक अहमद का नाम हम ले रहे हैं तब तक उमेश पाल मर्डर केस का जिक्र हो रहा है, शूटर्स तक अभी तक पुलिस नहीं पहुंच पाई है, लेकिन ये साफ संदेश देने की भी कोशिश की जा रही है कि जब अतीक अहमद को साबरमती से लेकर यूपी लाया जा सकता है, जो शूटर्स अभी तक फरार है उन तक भी पहुंचा जा सकता है। देखिए बिल्कुल, देखिए करीब 15 प्रयागराज की टीमें हैं, इसके साथ ही जो एसटीएफ आगरा डिवीज़न, एसटीएफ लखनऊ डिवीज़न, एसटीएफ प्रयागराज डिवीज़न, ये सारी चीज़ें, ये सारी टीमें कहीं ना कहीं उन शूटरों के सुरागशी में लगी हुई हैं। और जो भी इनपुट मिल रहा है, देखिए कल आगरा की बात की जाए, पता चला कि एक जो अतीक अहमद का एक कोई लिंक निकल कर आया और एक विपक्षी दल का एक नेता को 2 घंटे हिरासत में लिया गया, उससे पूछताछ की, छोड़ दिया गया। इससे पहले ये जयपुर वाले हाईवे पर 4 संदिग्धों को अरेस्ट किया गया और उनको एसटीएफ लखनऊ डिवीज़न उठाकर ले गई, उनसे पूछताछ की गई होगी और अगर उनको लगा होगा कि ये चीज़ों तो उनकी हिरासत में भी होंगे वो। तो कुल मिला के कहा जाए, धरती आसमान कहीं भी दुनिया के किसी भी कोने में वो शूटर छिपे हैं, देर सवेर वो अरेस्ट होना तय है, या वो सलाखों के पीछे रहेंगे, या जो हश्र और नज़र आ रहा है के वो सब देखने को मिलेगा। क्योंकि तो इस मामले में एक शूटर के भाई है, उसका संदिग्ध हालत में शव मिला, 2 वो एनकाउंटर किए ही जा चुके हैं, तमाम जो लेफ्ट राइट जो कहते हैं कि उसके गुर्गे हुआ करते थे अतीक अहमद, वहाँ बुलडोजर एक्शन हुआ है। तो कुल मिला के जिस तरीके से आपको याद होगा लिट्टे, श्रीलंका में एक लिट्टे बहुत ही टेररिस्ट एक्टिविटीज़ जिसमें राजीव गांधी तक शहीद हुए देश के प्रधानमंत्री,
उसका समूल नाश श्रीलंका में हो गया और आज पूरी तरह शांति है। तो कुल मिला के जरूरत है कि एक राजनीतिक इच्छा शक्ति एक रखने वाले एक मुख्यमंत्री इस समय प्रदेश की सत्ता की बागडोर संभाल रहे हैं और जिस तरह से उन्होंने प्रण लिया है, जो कन्विंस उन्होंने जनता को किया है और पब्लिक भी उनको जिस तरह से फेवर कर रही है और एक रणनीतिक अप्रोच के साथ एक प्लानिंग के साथ जिस तरह से इन माफियाओं का एलिमिनेशन हो रहा है, ये उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने में इसका एक बहुत बड़ा मैसेज है। और ऐसे जब चीज़ें ठीक होंगी, बड़े बड़े जो क्रिमिनल्स हैं जब उस उत्तर प्रदेश को या तो खुद छोड़ देंगे या उनको सरकार एलिमिनेट कर देगी, तभी इस उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टमेंट भी आएगा, तभी इस उत्तर प्रदेश में अमन चैन भी कायम रहेगा, तभी इस उत्तर प्रदेश में जो कानून का राज स्थापित होगा। सरकार क्लेम करती है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसी वजह से इसी लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर दोबारा सत्ता में काबिज हुए हैं। करीब 34-35 साल बाद कोई राजनीतिक दल को या कोई मुख्यमंत्री दोबारा रिपीट हुआ है, तो आप समझ सकते हैं कि जो हार्डकोर पॉलिटिकल जो स्टेट है उत्तर प्रदेश में किस तरह से माफिया राज रहा है और सत्ता पोषित राजनीति पोषित जो माफिया राज रहा है, अब उनके दिन फिर चुके हैं। और अब उत्तर प्रदेश में सीधा सीधा मैसेज है योगी आदित्यनाथ का कि जो भी कानून को अपने हाथ में लेगा जो खिलौना लेगा। और अब काफिला तेजी से आगे बढ़ रहा है, कोटा की ओर आगे बढ़ रहा है ये काफिला। और अब कोटा होते हुए कोटा ऐसे में जो पूरा जो अनुमानित जो समय 20-21 घंटे लगाया जा रहा था वो लग रहा है कि वो 24 से 25 घंटे कहीं ना कहीं देखिए ये साफ तौर पर संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि जो भी यूपी की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाएगा उसका हश्र बुरा ही होगा। शैलेश एक और जानकारी आपसे लेना चाहेंगे, क्या जब अतीक अहमद कोर्ट में पेश होगा, जब उसे सजा सुनाई जाएगी, तो क्या परिवार का कोई सदस्य मौजूद रह सकता है? क्योंकि अगर परिवार की बात की जाए, परिवार के नाम पर कोई भी मौजूद नहीं है। शाइस्ता परवीन जो अतीक अहमद की पत्नी है वो फरार है, बेटे दोनों गायब है, कोई सुराग नहीं लग पाया है। और दूसरी तरफ अगर भाई की बात करें तो खुद वो भी पेश होगा कोर्ट में, तो क्या कोई अन्य सदस्य उस वक्त जब पेश किया जाएगा अतीक अहमद को कोर्ट में, उस समय मौजूद रह सकता है? देखिए अतीक अहमद के अगर आप परिवार की बात करें तो उनकी पत्नी हो बेटे उन पर तो वैसे ही मुकदमे हैं, उनको तो खुद ही पुलिस तलाश रही है, तो जाहिर सी बात है कि उनकी गैर मौजूदगी वहां पर रहेगी। और निश्चित रूप से जहाँ तक बात करते हैं करीबियों की, तो इस समय जिस तरह से सरकार की निगाहें भी टेढ़ी हैं अतीक अहमद को लेकर, जिस तरह से अतीक अहमद के ऊपर कानून का पूरा शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है, ऐसे में कोई भी करीबी वहां पर दिखेगा ये थोड़ा सा कहना भी मुश्किल होगा। हालांकि जो अतीक अहमद की बहन है, हो सकता है कि वो वहां पर उनकी मौजूदगी हो, लेकिन अभी ऐसा कुछ भी कहना थोड़ा सा जल्दबाजी होगी। निश्चित रूप से जिस समय कोई भी कानून के शिकंजे में होता है तो तमाम करीबी वैसे भी साथ छोड़ जाते हैं, कोई साथ देने के लिए खड़ा नहीं होता है। ये जो उनका जब डर था, जब खौफ था, जो आतंक का साम्राज्य था, तब उनके साथ तमाम लोगों की एक भीड़ दिखती थी, लेकिन अब वो दौर नहीं है। अब जो है वो स्थितियां बदल चुकी हैं, अब तो खुद कहीं ना कहीं अतीक अहमद खुद पनाह मांगते हुए स्थिति में है। और ऐसे में अगर बात की जाए करीबियों की, तो तमाम कहते हैं कि बुरे वक्त में परछाई भी साथ छोड़ जाती है, अंधेरा होता है जब तो परछाई भी साथ छोड़ जाती है, तो वैसी ही स्थिति जो है वो कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं अतीक अहमद के सामने नजर आ रही है। तो अपने कितना साथ देंगे ये देखने वाली बात जरूर होगी, लेकिन निश्चित रूप से जिस तरह से बात करें, जिस अपने रसूख के दम पर वो सियासत में पहुंचा था, जिस तरह से जाहिर सी बात है कि जो सत्ताधारी रहे होंगे उनकी सरपरस्ती के बिना वो उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाया, लेकिन अब वही सियासत, अब वही बात की जाए सत्ता जो है, वही जो सरकार है, सरकारें बदल गई, अब जो सरकार है वो निश्चित रूप से अतीक अहमद के ऊपर जिस तरह से निगाहें टेढ़ी हैं और जितनी बड़ी चुनौती उसकी तरफ से कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था को दी गई, पूरे सिस्टम को दी गई, सरकार को दी गई, तो अब उसका जवाब देने का वक्त जो है वो सामने है। और ऐसे में अब सरकार उस चीज का, पुलिस प्रशासन उस चीज का जवाब दे रहा है कि बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, अगर इस तरह से कोई कानून को चुनौती देगा, अगर कोई इस तरह से अपराध करेगा तो वो बख्शा नहीं जाएगा, उसके बचने की कोई गुंजाइश नहीं होगी। ये संदेश देने की कोशिश जो है एक बार पहले मुख्तार अंसारी के मामले में भी सरकार ने की, और अब अतीक अहमद के मामले में भी कुछ ऐसा ही संदेश देने की कोशिश जो है वो लगातार जारी है। देखना ये है कि किस तरह से 28 तारीख को कोर्ट का फैसला क्या आता है, कितना बड़ा झटका जो है
वो मिलता है अतीक अहमद को। तो ये जो चीज़ें हैं वो निश्चित रूप से सबकी निगाहें टिकी हुई हैं और ये तय करेगा उस दिन का फैसला कि आगे का जो भविष्य है मुख्ता इसका अतीक अहमद का वो क्या होने वाला है। तो इसी के ऊपर सबकी निगाहें, बहरहाल अभी तो पूरा फोकस जो है वो यही कि सुरक्षित तरीके से यहाँ पर अतीक अहमद को लाया जाए और उसी के ऊपर पूरा काम चल रहा है, पूरी रणनीति के तहत काम चल रहा है और काफिला जो है वो भी तेजी से प्रयागराज की तरफ बढ़ रहा है। जी शैलेश, क्योंकि अगर देखा जाए स्टॉपेज की अगर बात की जाए तो 18 स्टॉपेज हमने बताया कि 18 स्टॉपेज कहीं ना कहीं निर्धारित किए गए हैं क्या, क्योंकि देखिए अभी तक तो सिर्फ बॉर्डर्स पे हमने देखा जहां पर दो जगह तीन जगह रुका गया है काफिला, तो क्या जब यूपी में पहुंचेगा काफिला, क्योंकि जिस वक्त यूपी में पहुंचेगा उस वक्त ट्रैफिक भी बहुत ज्यादा रहेगा, कहीं ना कहीं बहुत चुनौती रहने वाली है कि उस ट्रैफिक के बीच में कैसे सुरक्षित तरीके से अतीक को प्रयागराज पहुंचाया जाए, तो क्या यूपी पहुंचने पर भी जो स्टॉपेज है वो लिए जा सकते हैं? देखिए कम से कम स्टॉपेज 18 की जो संख्या थी अब वो बदल जाएगी और कम से कम स्टॉपेज लेके कैसे जल्दी से जल्दी अतीक अहमद को पहुंचाया जाए प्रयागराज, अब इसके ऊपर फोकस है। जहां तक बात की जाए जो यातायात की और ट्रैफिक की, तो देखिए डीजीपी खुद निर्देश जारी कर रहे हैं और उसके हिसाब से रात में जैसे ही डीजीपी की तरफ से निर्देश जारी हुए वैसे ही जो जिलों में कप्तान है, जो यातायात की जिम्मेदारी संभालने वाले पुलिस के अधिकारी हैं, उनकी तरफ से भी नीचे पूरा एक रोड मैप, एक पूरा प्लान, एक पूरा चार्ट तैयार कर लिया गया है कि किस रूट से उसको जिले के अंदर से ले जाया जाना है, कहां पर ट्रैफिक को किस तरह से मैनेज करना है, यानी ट्रैफिक जो है वो बाधा ना बने इस पूरे काफिले की राह में, ब्रेक ना लगे इस काफिले की राह में, यही एक लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। और ये जो स्टॉपेज की संख्या थी ये भी बदली हुई नजर आएगी, ये संख्या ये माना जा रहा है कि पहले से कम हो जाएगी, कहीं ना कहीं कोशिश क्योंकि यही है कि कम से कम रुका जाए, जल्द से जल्द पहुंचा जाए ताकि सुरक्षित तरीके से एक अतीक अहमद को प्रयागराज पहुंचा दिया जाए, इसके ऊपर फोकस है। जाहिर सी बात है जो स्टॉपेज की संख्या है ये भी अब कुछ कम देखने को मिलेगी। बहरहाल काफिला लगातार चल रहा है और सुबह 7 से 8 बजे के बीच में ये काफिला शिवपुरी पहुंच जाएगा, इसके बाद 10 से 11 बजे के बीच में ये काफिला झांसी और दोपहर में 3 से 4 बजे के बीच में चित्रकूट ये काफिला पहुंचेगा। उत्तर प्रदेश में एंटर होते ही जो सुरक्षा व्यवस्था है, जो पुलिस बल है वो और बढ़ जाएगा, क्योंकि जो जिले से स्कॉट लगाया जाएगा वो भी एक्स्ट्रा स्कॉट लगाया जाए, इसको लेकर तैयारी की गई है, जिले स्तर पर कोई चूक ना हो इस बात का बहुत ही ज्यादा ध्यान इस पूरे मामले में रखा जा रहा है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।